हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र शर्मा इज़ हियर विद अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बॉक्सिंग के बेसिक रूल्स बताऊंगा। जो बॉक्सिंग खेलता है उनको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट रूल है, हम जब भी टूर्नामेंट खेलने जाएं तो हमारे पास हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें हमारा एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ गिवन हो, अदरवाइज़ हमें टूर्नामेंट में खेलने नहीं दिया जाता। सेकेंड, हमारे पास गम शील्ड, एल गार्ड मतलब कप गार्ड और हमारे बैंडेज, ये तीनों बेसिक नीड है, ये होनी ही चाहिए, नहीं तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। थर्ड, हमारा अगर कोई सा भी कॉर्नर है, रेड या ब्लू, सपोज़ हमारा ब्लू कॉर्नर है तो हमारे पास ब्लू सैंडो, ब्लू शॉर्ट्स, रिंग शूज, गम शील्ड, बैंडेज, एल गार्ड, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। अगर आपके पास रिंग शूज़ नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। आप बिगनर्स हैं तो आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ में फ़ाइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रिंग शूज़ हों। बस रिंग शूज़ से अलग बेनिफिट मिलता है, वो थोड़े हल्के होते हैं, ग्रिप अच्छी होती है, तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, रेफरी हमें जब भी बुलाता है, मतलब ये साइन करता है बॉक्सर्स ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि हमें हमारे ओपोनेंट से हाथ मिला के आना है। ग्रिप्स में ऐसे गए और ऐसे हाथ मिलाया और आ गए, ये मतलब होता है इसका। देन रेफरी बोलता है बॉक्स, बॉक्स मतलब फाइट स्टार्ट, हमें बाउट करनी है, हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है और बाउट स्टार्ट हो जाती है। जब रेफरी बोलता है स्टॉप, तो स्टॉप मतलब है कि हमें रुक जाना है। इसके बाद अगर हम स्टॉप होने के बाद भी अगर पंच मारते हैं तो वो फाउल में माना जाता है, हमें डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और फाउल माना जाता है वो। नेक्स्ट, ब्रेक, ब्रेक मतलब ये होता है जैसे हम ग्लिच हो गए, आपस में चिपक गए, तो रेफरी बोलता है ब्रेक। हमको ब्रेक बोलते ही एक स्टेप पीछे लेना है और कंटिन्यू अटैक करना है। कंटिन्यू मतलब एक स्टेप पीछे लिया और फिर अटैक करना है। कई बॉक्सर होते हैं जो ब्रेक को स्टॉप समझ लेते हैं और रुक जाते हैं, और जिस ओपोनेंट को पता होता है कि ब्रेक का मतलब एक स्टेप पीछे लेकर अटैक करना है, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा जाता है। तो ध्यान रखें, ब्रेक का मतलब होता है एक स्टेप पीछे लेके अटैक करना। नेक्स्ट, रेफरी हमें जब भी ऐसे अलग से स्टॉप बोल के बुलाता है और ये थम ये वाला साइन दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई फाउल बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पॉइंट माइनस हो रहे हैं, ये वाला साइन दिखा रहा है, जूरी और जजेस को ये साइन दिखाता है। तो होप इस वीडियो में आपको बॉक्सिंग की जानकारी से अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep supporting, keep subscribing, keep practicing.